मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेप्स के बारे में स्टडी किया था। ओके, शेप्स के बारे में स्टडी किया और हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन शेप्स क्या होती हैं। ओके, प्लेन शेप क्या होती है बेटा? कि ऐसे शेप जो कि एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ की जा सकती है। ओके, क्या होती है? प्लेन शेप होती है। ओके, एंड हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ स्टडी किया था। नाउ आज क्या स्टडी करेंगे? हमारे जो आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या होते हैं? ओके, इनके बारे इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। सो ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होते हैं? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। तीन साइड होती है जिसमें और बंद स्ट्रक्चर होती है। ओके, क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर। एक ट्रायंगल में क्या होते हैं? थ्री साइड्स होती हैं और थ्री कॉर्नर होते हैं। ट्रायंगल साइड कौन कौन सी हैं? वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन। जो लाइन्स है वो क्या है? साइड है। ओके, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, ये थ्री लाइन्स क्या है? साइड है। और ये क्या है? यहां पर ये क्या है? ये क्या है? कॉर्नर। ओके, ये क्या है? कॉर्नर। तो एक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर a triangle is a three-sided closed figure having three corners. Okay, having three corners is known as triangle. Okay, triangle की क्या होती हैं? Three sides होती हैं and three corners होती हैं. Okay, next आता है अपना square. Square क्या होते हैं? Four-sided closed figure whose all four sides are equal. And having four corners. Okay, square क्या होते हैं? Four side का closed figure. Okay, ऐसा figure या ऐसी shape जिसमें four sides होती हैं. One, two, three, four. कितनी sides होती हैं? Four sides होती हैं. Okay, closed figure होता है. Four side होती हैं. चारों side equal होती हैं. All four sides are इक्वल, कि ये जो चारों साइड है ये चारों साइड इक्वल होती हैं। ओके, चारों साइड इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है और ये दोनों भी इक्वल होती हैं, ये दोनों भी इक्वल होती हैं, ये दोनों भी इक्वल होती हैं। ओके, कि ये जो चारों साइड्स हैं ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, फिर कॉर्नर कितने होते हैं एक स्क्वायर में? एक स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर। कितने कॉर्नर होते हैं? फोर कॉर्नर्स। कि फोर तो कॉर्नर होते हैं और फोर ही साइड होती हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फोर कॉर्नर्स होते हैं, फोर साइड्स होती हैं और सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऐसी स्ट्रक्चर क्या किस चीज की होती है? स्क्वायर। ऐसी स्ट्रक्चर किस चीज की होती है? स्क्वायर की। ओके, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल जो है वो भी स्क्वायर के जैसा है। ओके, रेक्टेंगल क्या है? एकदम से स्क्वायर के जैसा है, बट डिफरेंस क्या होते हैं? स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, फोर साइड्स इक्वल नहीं होती। ओके, सो इस डायग्राम की तरफ देखो आप। ओके, ये शेप है, इसकी तरफ देखो, क्या है इसमें? ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। ओके, ये दोनों आमने सामने की साइड इक्वल है और ये दोनों आमने सामने की साइड्स इक्वल है। कि रेक्टेंगल भी बेटा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ओके, रेक्टेंगल में भी फोर कॉर्नर होते हैं, फोर ही साइड होती हैं, बट डिफरेंस क्या होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में? कि
ये जो रेक्टेंगल है ये इसकी अपोजिट साइड्स जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ओके सारी साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती, ना ही ये और ये इक्वल होती। इक्वल कौन सी होती हैं? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ओके सो ट्रायंगल में थ्री साइड थ्री कॉर्नर, स्क्वायर में फोर साइड फोर कॉर्नर, ऑल साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स फोर कॉर्नर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? फोर साइड्स फोर कॉर्नर्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके सो ये हम लोगों ने जो लाइन शेप्स होती हैं उनके बारे में स्टडी किया है। ओके ये कंप्लीट रिवीजन आपको एज अ होमवर्क करना है। समझ नहीं आए, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके बाय।